हाय हेलो नमस्कारम। एक मिनट, अगर आपके भी दिमाग में आ रहेला कि ये मामू आकर हंटर बनकर हथियार लेके ये क्या कह रहेला, तो आपको मैं बता दूं, आज तो अपन पढ़ेंगे मामू। बोली तो आज अपन ऐसे हंटर बन के ताल खाने को जाएंगे और देखेंगे कि खाने में कैसा लगता है। अपन लोगों का ये हंटर वाला ग्रुप एक ग्रुप नहीं है, गैंगस्टर है। ये आप लोगों को दिखाएगा और बताएगा कि ताल कैसे खाया जाता है, कैसे गिराया जाता है और क्या कुछ कुछ। तो सर्वप्रथम हम लोग जा रहा है हमारे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुमारदा। लोगों का गांव, लोगों का पेड़, लोगों का ताड़ और हमारा हथियार, हमारा मुंह और हमारा पेट के साथ। इसके लिए हमें पार होना होगा कुछ खेतें, कुछ मुट्ठी भर नाले और एक बड़ा सा बांस का जंगल जो सामने दिख रहा है। हंटर लोग इज वेरी एक्साइटेड, इसलिए वे बहुत तेजी से जा रहे हैं और आई एम चूसा वाम, इसलिए बहुत धीमे धीमे मंद गति से, खरगोश की जैसे नहीं जा पा रहे हैं तो कछुए की जैसे ही कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमें मिले खजाना जो कि ये है और हमारे सामने काफी है जो कि आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा हमारे वाला भी देख लो पहले और देख ही सकते हो कि ये कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये खजूर है वो भी जंगल का, आप सामने देखिए काफी और पौधे हैं, झाड़ी है या और क्या कुछ नहीं है यहाँ सब कुछ। हम हमारे मंजिल के पास पहुंच चुके हैं लेकिन हमारे गैंगस्टर भाई लोग बहुत आगे और मैं बहुत पीछे। ऐसा क्यों? क्योंकि आई एम चालक ब्रो। क्योंकि लोगों का गांव, लोगों का पेड़, लोगों का मान सम्मान अभिमान सब कुछ है, लोगों का भाई बंधु दीदी मासी पिसी का चिट्ठी सब कुछ है, तो उन सभी लोगों का एक एक करके पेट है, वो भला हमें क्यों खाने देंगे। और इसीलिए ये हमारा एंजॉयमेंट, उनके लिए चोरी है और इसीलिए डंडे पड़ने के 50-50 चांसेस, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। इधर मैं बोलना चाह रहा था कि देखो ये पेड़ कैसे गांव की सुंदरता को बरकरार रख रहे हैं। यह बरगद का पेड़ जो 2400 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है और यही खड़ा है और लोगों का मदद कर रहा है। फिर छोड़ो ये बेकार की बातें, चलो अभी हमारे दोस्त की ओर चलते हैं क्योंकि वो खड़े हैं और हमारी राह देख रहे हैं। वे पेड़ के नीचे बैठे हैं और ताक रहे हैं कब हम जाएंगे और उनकी मदद करेंगे जो कुछ भी हमसे होता है। हमारे दोस्त लोगों को और पेड़ को बार बार ताक रहे हैं क्योंकि पेड़ से हमें ताड़ नीचे लाना है और लोग अगर आ जाए तो हमें भागना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये तो सरासर चोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि झारखंड के ज्यादातर लोग ताड़ के पेड़ को सार्वजनिक कर देते हैं इसलिए। तो गाइस, हम लोग आए हैं ताल पारने के लिए, लेकिन गाइस पेड़ में चढ़ने के लिए कोई बंदा भी नहीं है, मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। यार मैं तो नहीं चढ़ूंगा यार, तुम लोग चढ़ो, पीछे जो देख रहे हैं ना वो बंदा चढ़ेंगे पेड़ ताल के ऊपर, काफी अच्छा बंदा है। पेड़ों में चढ़ने की कला वो भी बंदरों जैसी जो झारखंड के लगभग हर युवा में भरी पड़ी है। पेड़ के ऊपर से ताल नहीं चलाने के लिए आपको काफी नियम मानने पड़ेंगे, जैसे कि पहला नियम सुरक्षित पेड़ में चढ़ना, दूसरा नियम और पेड़ में चढ़ने वाले को सुरक्षित हथियार पहुंचाना, जो कि दोनों काम एक ही बार में हो सकता था लेकिन जो जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है। ऊपर चढ़ा आदमी को हथियार सुरक्षित पहुंचाना है क्योंकि वो मेरा मामू है, इसके लिए बंदे तैयार है, इसलिए हथियार को गमछे में लपेट कर उसे ऊपर की ओर फेंकने की कोशिश करेंगे, फिर वहां से वो लेंगे और फिर काम चालू करेंगे वहां ऊपर। बेहद कोशिशों के बावजूद हम हथियार को ऊपर पहुंचाने में नाकामयाब, इसलिए हम सोचे कि कोई ऊपर जाके उसे हथियार पहुंचा कर आए। ये दूसरा बंदा चढ़ रहा है पेड़ के ऊपर, देख सकते हैं कि पेड़ में ये चढ़ सकता है कि नहीं। दूसरा बंदा जो पेड़ में चढ़ने का कोशिश कर रहा था वो नाकाम रहा, इसलिए हमने फिर से कोशिश की और सफलता प्राप्त की, हथियार को ऐसे फेंक के पहुंचा दिया। तो अभी ऊपर ताड़ की कटाई चल रही है, नीचे गिरने वाला है और ये गिर गया। सबके सब बंदे अभी ताड़ को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं क्योंकि हमें काम जल्दी खत्म करना है। ताड़ों का पेड़ के नीचे लाना हो चुका है और अभी जो आदमी ऊपर चढ़ा था वो अभी नीचे उतर रहा है। आप वीडियो को देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि पेड़ों के ऊपर से ताड़ को नीचे लाना कितना जोखिम भरा काम हो सकता है, ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। आप देख ही सकते हो कि पेड़ का आकार कैसा है।
ताड़ को खाने के लिए सबसे पहले आपको ताड़ का ऊपरी हिस्सा को काटना है और फिर खाना है। देखो ये भाई कैसे अपना ताड़ को खा रहे हैं, ऐसे इसे काट दिया, ऐसे खा लिया। इसमें पानी भरा होता है, किसी किसी में जेली जैसा कुछ। और आप वीडियो का आनंद लेते रहिए, तब तक हम बीजीएम बजा देते हैं। गाइस हम लोगों ने ताल खा लिया है बहुत सारा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। जो देख सकते हैं ये एक बांस का जंगल है, काफी खतरनाक जंगल है ये, यहाँ पर रहता है। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और भी दूसरा ब्लॉग देंगे जल्दी।